Assalamu alaikum students, my name is Usman Javed Bhatti. Today is our lesson number 9 of botany. Topic is ecological energetics. आज के इस टॉपिक के अंदर हमने चैप्टर नंबर 14 जो है वो डिस्कस करना है। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये, और ये आपने पहले से भी डिस्कस को फिर तकरीबन इंटर के अंदर किया हुआ है। इसमें हमने एनर्जी फ्लो को देखना है कि किस तरह से एनर्जी का जो फ्लो है इस वर्ल्ड में है। हमने अक्सर देखा होगा कि हम जो है बड़े जो जानवर हैं वो छोटों पर डिपेंड करते हैं फास्टली, तो ये जो लिंक है, जो चेन है, हमने इस चेन को ही इसमें डिस्कस करना है। एनर्जी फ्लो कंसेप्ट का मतलब ही यही है कि ऐसा कंसेप्ट जिसमें हमने एनर्जी के फ्लो को जांचना है, देखना है कि कौन किसको खाता है, फिर वो उसे कौन खाता है, फिर उसे कौन खाता है, इस तरह से ये प्रोसेस जो है किस तरह चलता है हमें ये देखना है। एनर्जी फ्लो कंसेप्ट अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ इकोसिस्टम इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। नॉलेज ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज फ्रेगमेंट्री एंड डिफिकल्ट टू कम बाय द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इज अ वैल्यूएबल बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द बोथ इकोसिस्टम फंक्शनिंग एंड द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि भी एनर्जी फ्लो कंसेप्ट के अंदर हम ये जान सकते हैं कि इकोसिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और ह्यूमंस का एनवायरनमेंट से किस तरह का रिलेशन है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट रीचिंग अर्थ। लाइट इज एनर्जी। लाइट एनर्जी इज द फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड मेड अवेलेबल टू द हेटरोट्रोफिक कंपोनेंट्स। अब वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है वो क्या है, लाइट। और कौन सी, सनलाइट। और सनलाइट कौन यार कैप्चर करता है, प्रोड्यूसर्स मीन प्लांट्स। और खाता कौन उनको, हेटरोट्रोफ्स आगे एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का हम इसका रोल देखते हैं कि एनर्जी क्या करती है। एनर्जी जो है वो कोई भी काम करना है हमने उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केपेबल एंड अवेलेबल फॉर वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर द पोजिशन चेंज पोजिशन, ठीक है ना। द एक्सपेंडिचर एंड द स्टोरेज ऑफ एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड बाय द टू लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक एंड द फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नेदर डिस्ट्रॉयड। द सेकंड लॉ स्टेट दैट एट विच एट ईच ट्रांसफर ऑफ आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज अज्यूम्ड टू फॉर्म then cannot be passed on any further because it is randomly dispersed often as heat। मतलब क्या है, वो कहता है कि भी दो लॉ हैं एनर्जी के बारे में, एक है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और एक है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के दो पार्ट्स हैं, एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा भी है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैस भी पड़ा हुआ इंडस्ट्री के अंदर, कि भी हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि दूसरे में वो कहता है कि एनर्जी जो है वो जब एक्सचेंज होती है या ट्रांसफर होती है तो वो कुछ काफ़ी हद तक ज़ाहिर भी हो जाती है, जैसे कि हीट वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसकी हम बात करते हैं वो क्या है, वो है द अल्टीमेटली क्लोज सिस्टम रन डाउन। ओपन सिस्टम सच एज इको सिस्टम हाउ एवर विद देयर कॉन्स्टेंट इनपुट एंड आउटपुट मेनटेन अ स्टेडी स्टेट। ये सारा जो है इस पैराग्राफ में बस आपने इतना ही बता देना है, पहले पैराग्राफ में के भी कंसेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या है, दूसरे में एनर्जी का रोल, उसकी दो टाइप का पोटेंशियल होगी, काइनेटिक होगी, और उसके बाद आगे बात करें और सारा छोड़ दें। और नीचे जो है एनर्जी फिक्स्ड एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये उसकी फॉर्म्स एनर्जी किस तरह से फॉर्म जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन है, सेकेंडरी या फिर इस तरह फिक्स ही हो। आगे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ग्रेटर प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय एनर्जी, 6% के हिसाब से भी आ जाता है। और इसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो थ्रू द हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम फिक्स्ड एज अ सेकेंडरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्शन से जो है वो हरकत ही, जो उसमें बोर्ड लेटर्स हैं आप इनको फॉलो करना है। कार्निवर्स का आपको पता है, ओमनीवर्स का भी, टिकनोसस का भी, तो ये इनके बारे में हर्बीवर्स का भी देखा है। हर्बीवर्स जो ग्राफ को बनाते हैं, कार्निवर्स उनको खाते हैं, ओमनीवर्स जो दोनों को खाते हैं, और डिकम्पोजर्स जो कि मुर्दा जानवरों को खाते हैं। ये आपको पहले से पता है, इनके बारे में कल कभी बता देगा और यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करते हैं, इकोसिस्टम में किस तरह से फ्लो करती है, तो इसमें लिखा हुआ कि नाम गोज थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड में शर्मी स्टार्ट होता है, तो द गोज थ्रू द डेटरस फूड चेन इन विच द बल्क ऑफ द प्रोडक्शन इज यूटिलाइज एज द डेट और मटीरियल। अब यहाँ पे ग्रेजिंग और डेटरस का जिक्र है, तो दोनों में डिफरेंस से पहला पैराग्राफ है। उसके बाद प्रॉफिट लेवल की बात करता है, फिर वो बैप की बात करता है। और अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर लिमिट्स एनर्जी ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन टू 3 to 5। बायोमास डिक्लाइंस एट ईच लेवल, अ प्लॉट ऑफ वेट ऑफ इंडिविजुअल टू ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल रिजल्ट इन द स्लोपिंग पैराबल, ठीक है ना। और फूड ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो इन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक रिलेशनशिप नॉन एज फूड ग्राफ। जिस फ्लो में एनर्जी जो है वो कर रही है उसमें क्या कह रहे हैं, फूड ग्राफ।
the ratio of energy flow from one particular level of the ecosystem next between individual organism is called ecological efficiency. ये उसकी definition होगी. इसकी अब इसके बारे में energy flow diagram है और या हमारे लाभ energy flow है. ये इसके तीन sorry पांच points हैं energy. ये था लाभ तो हमने की बात कर रहा है कि इसमें zero profit level वगैरह ये पांच point आपने कर लेने हैं और producer और कंज्यूमर लेवल की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फूड इज कंज्यूम पार्ट ऑफ इट इज एसिमिलेटेड एंड पार्ट ऑफ इट लॉस. मतलब अब सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल देखें ना, प्रोड्यूसर है वो एनर्जी पैदा कर रहे हैं. जब प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर में जाती है कुछ एनर्जी जो है ज़ाहिर होती है, कुछ ही जो है वो अचीव कर पाते हैं. तो इस पैराग्राफ में बस वही बात आगे किसके जब ट्रांसफर होगी एनर्जी. जब पौधे खाते हैं, जब पौधों को खाते हैं जानवर वगैरह, तो लाजमी नहीं कि वो पूरे पूरे पौधे कुछ जो है वो ज़ाहिर हो जाते हैं. ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है फूड चेन की बात करते हैं. फूड चेन जो है क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये वही बात करेंगे कि किस तरह सीरीज जो है वो, जैसे कि भी पौधों को जानवर खाते हैं और उन जानवर को जानवर खाते हैं, ये इस तरह की जो है इसमें बिल्कुल वही है कि फॉर एग्जाम्पल अ लिविंग ऑक लीफ इज ईटन बाय अ मॉथ कैटरपिलर एंड द कैटरपिलर इज कंज्यूम बाय द स्पैरो एंड व्हिच इज टर्न्ड इनटू द हॉक. ठीक है, ये इसकी चेन टाइप की है सिंपल सी. इसके बाद कंपोनेंट है फूड चेन. कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये बताना है आपने. इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी स्टोर बाय प्लांट, इसका इसमें प्लांट भी है. इसमें इस फूड चेन कंपोनेंट काफ़ी सारे हैं. प्लांट हो गए और कंज्यूमर हो गए, कार्निवर्स हो गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं. ठीक है, आगे इसमें फूड चेन की डायग्राम है. डायग्राम जो बनाई हुई है कि किस तरह से जो है हर्बीवर्स कर रहा है, ये सारा इसमें आपने ही बात शो करानी है कि हर्बीवर्स से लेकर डीकंपोजर तक हम किस तरह मूव करते हैं. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया इसमें. फिर इसमें जो है डीकंपोजर आ जाते हैं. इसमें सारे प्रोड्यूसर की बात करते हैं तब भी बात करनी है. एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, फूड चेन डिस्क्राइब पैथवे ऑफ एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो की जो है इसमें अगर हम बात करें किसकी, ये इसकी हम बात कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ फूड चेन की, तो इसमें क्या है कि एक ऐसा पैथवे है जो डिस्क्राइब कर सकता है किसी भी एनर्जी फ्लो को. फूड चेन जो होता है वो हेल्प करता है हमें समझने के लिए कि रिलेशनशिप क्या है, किसमें, ऑर्गेनिज्म में और उनके इकोसिस्टम के दरमियान. ठीक है, और ये अलग एनर्जी फ्लो का मैकेनिज्म भी हमें जो है आराम से हम इसमें समझ सकते हैं फूड चेन के अंदर. फूड चेन की टाइप्स कितनी है, दो है, एक ग्रेजिंग और एक डायरेक्टर. से आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो और ये मैं आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. अगर ग्रेजिंग की बात करते हैं तो ग्रेजिंग में आपको पता है कि भी चेन स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स. ग्रेजिंग जो आप पता चलने को कहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स स्टार्ट होकर गोज टू द ग्रेजिंग हर्बीवर्स, फिर हर्बीवर्स को खाने वाले, फिर रिप्रेजेंट बाय द कैटल ग्रेजिंग एंड द पास्टर लैंड डीपर डियर ब्राउजिंग वगैरह. ये वो सारे रैबिट्स हो गए, ये सारे वो हैं जो कि इसको खाते हैं, क्रॉप्स को ये प्राप्त करते हैं. अ ग्रेजिंग फूड चेन इज नॉट अ मेजर फूड चेन. कोई मेजर नहीं है, लेकिन ये एक तरह का, ये भी एक टाइप ही है कि किस तरह से पौधे पौधों से फिर जानवर, जानवर को जानवर, जानवर जानवर इस तरह खाते खाते अगर वो मर जाते हैं, फिर उनको डीकंपोजर खाते हैं, फिर दोबारा से वो डीकंपोजर जो है वो प्लान होते हैं, ये फ्लो जो है इसमें बदल जाता है. अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है डेटरस है, अगर इसकी बात करते हैं, डेटरस फूड चेन गोज फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म. अब ये जो ग्रेजिंग है वो ग्रीन को प्लांट स्टार्ट होती है और डेड तक जाती है. ये डेड से स्टार्ट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है और फिर जाती है आगे क्या है, द डेटरस फीडिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रेडेटर्स. द डेटरस फूड चेन इज कॉमन टू ऑल इकोसिस्टम बट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इट इज नॉट वेरी जनरल. ये बातें में तो है लेकिन जो है टेरेस्ट्रियल में नहीं है. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है. ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री फूड चेन की हम बात करते हैं. ये क्या होता है, फूड एग्जाम्पल ऑफ नेटिस ये हो गया. सप्लीमेंट्री फूड चेन की बात करिए, ये टाइप है. अदर फीडिंग ग्रुप सच एज पैरासाइट्स, आगे स्केवेंजर्स, ये सारे जो है ये इनकी भी फूड चेन होती है कि पैरासाइट्स जो हैं किस तरह के इनसे पूरा हासिल करते हैं, फिर आगे उनसे कौन लेता है, ये इसमें ये तरह है. और इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज की बात करते हैं हम, तो एनर्जी फ्लो जो है बिटवीन एक्सप्रेस एज परसेंटेज एट डिफरेंट पॉइंट्स को हम इसको कर सकते हैं, इसमें कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज. पहले भी कर चुके हैं. फूड वेब की बात करते हैं अब हम, फूड चेन हो गया, फूड चेन की टाइप होगी, अब फूड वेब की बात करते हैं. फूड वेब की क्या है, फूड वेब जो है फूड चेन आर नॉट आइसोलेटेड सीक्वेंस बट आर द इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर. ठीक है, ये जो जरूरी नहीं है इंटरकनेक्टिंग पैटर्न ऑफ हम कहते हैं फूड वेब. फूड चेन जो है दोनों को, तीनों जो फूड चेन हमने पढ़ी है, ये जो है एक सीक्वेंस में तो नहीं है, लेकिन ये आपस से कनेक्टेड जरूर होती है. फूड वेब इज मोर स्टेबल देन द फूड चेन. अ फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स विद द लिंकिंग लीडिंग विद द फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू अ नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर. कंज्यूमर इसमें भी वही आगे वही बात आ रहा है कि किस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं. एग्जाम्पल भी है इसकी, पढ़ेंगे आपको तो समझ में आ जाएगी आपको.
उसके बाद प्रॉफिट लेवल एंड इकोलॉजिकल पैरामीटर की बात करते हैं। ये कितने से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि राइट अबाउट प्रॉफिट लेवल एंड इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। प्रॉफिट लेवल क्या होता है? प्रॉफिट लेवल जो है रिप्रेजेंट द फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किस तरह का रिलेशनशिप है, कौन किसको खा रहा है, क्या है, इसमें देखते हैं। ऑल वुमेन दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी इन द सेम नंबर ऑफ द स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर बिलोंग टू सेम प्रॉफिट लेवल। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो पौधों से प्रॉफिट करते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉफिट लेवल। सॉरी, क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रॉफिट लेवल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो टॉपिक लेवल को आप एक सिंपल अगर हम कहें तो ग्रुप की बात करते हैं। मतलब जैसे इंसान है, तमाम इंसान जो है वो एक ही तरह का खुराक जो है हस्ते का मैथड है, तो उसे हम एक ही टॉपिक लेवल लेंगे। तो और इसी तरह अगर हम वो तमाम एनिमल जो प्लांट्स लेते हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, तमाम जो एनिमल्स लेते हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, टॉपिक लेवल कहते हैं ग्रुप ग्रुप। अगर इकोलॉजिकल पैरामीटर अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैव आर डिफाइंड डेफिनेट करेक्टर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर इज यूजली बेस्ड ऑन द एनर्जी लॉस एट ईच ट्रांसफर इन अ फूड चेन। ठीक है, और इसके जो पैरामीटर्स का आज के दोबारा से आ गया पैरामीटर्स की पैरामीटर नंबर की बात करते हैं कि दिस इज टाइप ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक पैरामीटर के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म है, उनका क्या हिसाब किताब है, कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितने रह सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह ये हम इसमें बताएंगे। और इसके बाद पैरामीटर जो बायोमास की बात करते हैं वहाँ पर हम नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे जो है टोटल ड्राई वेट, कैलोरिक वैल्यू, अदर मेजर्स ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ह्यूमन मैटर। मतलब कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसको पूरे के पूरे इलाके के बारे में बताएंगे कि इलाके में कितना मैस है, कितना उसमें स्ट्रक्चर है या क्या उसका स्ट्रक्चर है, कितना उसके पास जो है वो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते होते हैं। हर इन जनरल बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज ग्रेटर देन द बायोमास ऑफ हर्बिवर्स ऑफ फूड। ये बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में लिखा होगा, इसका कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद पैरामीटर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो ये क्या है, अ पैरामीटर दैट सजेस्ट दैट रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। एक ऐसा पैरामीटर, आप एक पैरामीटर वो है जिसमें हमने नंबर देखा, एक पैरामीटर वो है जिसमें हमने रिसोर्सेज देखे, और तीसरा ये है जिसमें हम एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है ना, पैरामीटर ऑफ नंबर एंड बायोमास टेल अस समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर बट लिटिल अबाउट द फंक्शन। पैरामीटर ऑफ एनर्जी प्रोवाइड ओवरऑल पिक्चर ऑफ फंक्शनल नेचर। ठीक है ना, द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ एनर्जी इज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, किस तरह पास होती है इसको हम देखेंगे, सिंपल है ये भी। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट लेवल, अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं, तो उसमें कंपेटिटिव एडवांटेजेस है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द ऑर्गेनिज्म इज हाउ टू ऑब्टेन इनफ एनर्जी। अब ये है ना, इस पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी के ही मसाइल सुनता है कि आबादी बढ़ रही है, सबके दिमाग में होता है कि हमें किस तरह कमाना है, कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, कैसे हमें रहना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो फिर किस तरह से करेंगे, हमारे नस्ल चल होते हैं, फीडिंग रिलेशनशिप भी होता है इसमें, ये सारे रिलेशनशिप जो है इसके लिए हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास कंसेप्ट हैं, एडवांटेजेस हैं, आपने इसको पढ़ना है, कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसमें कोई कहीं मसला हो तो आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल बाकी सिंपल सा टॉपिक है, फूड चेन कोड मैप आपने इंटरनेट पढ़ा हुआ है, इसको आपने इतना जो है वो जो है ना मुश्किल नहीं समझना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। सिंपली इसको रीड कर लें एक बार तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फूड चेन और फूड मैप में अगर आपको लिंक पता लग जाएगा तो पैरामीटर वगैरह तो उससे ज़्यादा आसान है। पैरामीटर के तीन टाइप्स हैं बस, एक नंबर वाली, एक स्ट्रक्चर वाली और एक एनर्जी वाली। ये वो टॉपिक्स हैं जो थ्योरी वाले हैं और इनको आप खुद से भी तकरीबन राइट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम।